ईपीएस होता क्या है? ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि एक शेयर पे अर्निंग कितनी हो रही है आपकी, मतलब आप अगर ईपीएस एक फंडामेंटल चीज़ है जिससे हम लोग कंपनी के वैल्यूएशंस को ट्रैक करते हैं कि आने वाले समय में कंपनी की जो वैल्यू है बढ़ रही है घट रही है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या कैसी कंपनी है। तो हम लोग जनरली ईपीएस को ट्रैक करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं, इसको कैलकुलेशंस में हम अपने सिस्टम पर भी दिखाएंगे आपको, और आने वाले एक महीने का या सॉरी एक साल का या लास्ट दो साल तीन साल का भी ईपीएस कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे। तो ईपीएस से बेनिफिट हमें ये होता है कि हम लोग जानते हैं कि कंपनी जो है एक शेयर के पीछे कितना प्रॉफिट आपको होता है। मतलब अमूमन होता क्या है कि जितना कंपनी, हम लोग जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, तो जो कंपनी प्रॉफिट बनाती है उतना प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर को शेयर्स करती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारी कंपनी प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर के साथ ही शेयर करे। कंपनी अपने ग्रोथ के लिए, अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए कंपनी कुछ पैसे इन्वेस्ट करती है अपनी कंपनी में, और कुछ पैसे डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को देती है। तो ईपीएस कैलकुलेट करने का पर्पज़ ये होता है कि हम ट्रैक करते हैं कि कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है और प्रॉफिट इसका घट रहा है या बढ़ रहा है। और इसको हम लोग अमूमन अगर एक साल का देखेंगे ईपीएस, और लास्ट तीन साल का देखेंगे या लास्ट फाइव ईयर्स का देखेंगे और देखेंगे कि कंपनी का ईपीएस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा अर्निंग कंपनी है। तो ईपीएस कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है सिंपल है, जो नेट प्रॉफिट कंपनी का होता है। नेट प्रॉफिट मतलब जितना कंपनी ने टोटल नेट प्रॉफिट बनाया है डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, मतलब कि जितना कंपनी के आउटस्टैंडिंग, जितना मार्केट में शेयर्स अवेलेबल हैं उसको आप डिवाइड करोगे तो जितना प्राइस आए, जितना आएगा वही आपका ईपीएस होगा। एग्जांपल के तौर पे अगर किसी शेयर्स की जो प्रॉफिट है 1 लाख है, और अगर उसके प्रॉफिट मान लेते हैं 1000 रुपीज़ हैं, उसको डिवाइड करेंगे तो 100 रुपीज़ आया, तो वो आपका ईपीएस हो गया, है ना। अब अगर इसमें मान लेते हैं कि ईपीएस में डाइल्यूट ईपीएस होता है, मतलब कि जो प्रॉफिट होता है ठीक है उसमें जितने उसके डिविडेंड के रूप में अर्निंग्स होते हैं उसको भी माइनस किया जाता है, और जो शेयर्स होते हैं अगर कुछ शेयर्स जो कन्वर्टेबल शेयर्स होते हैं उसको भी माइनस किया जाता है, फिर उसके बाद डाइल्यूट ईपीएस निकाला जाता है। उसका भी फॉर्मूला आपके साथ शेयर कर देता हूँ, मतलब नेट प्रॉफिट माइनस डिविडेंड, जो प्रेफर्ड डिविडेंड होता है जितना मतलब कंपनी देने वाली होती है अपने शेयर होल्डर को, उसको माइनस करती है, डिवाइड बाई जितने टोटल ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं उसमें माइनस करते हैं जितने शेयर्स उनके आउटस्टैंडिंग सॉरी कन्वर्टेबल होते हैं। जैसे कि कन्वर्टेबल शेयर्स वो होते हैं जो उनके कॉरपोरेट बॉन्ड्स होते हैं या ई सॉप्स होते हैं जो कन्वर्ट हो सकते हैं आगे चल के, उसको माइनस करके जो एग्जैक्ट वैल्यू आई थी वही आपका डाइल्यूट ईपीएस होता है। तो इसके बारे में अगर हम लोग आजकल आपको ईपीएस कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये सारी चीज़ें रेडीमेड हमको मिल जाती है मनी कंट्रोल पे या और भी अदर वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हमें सारी कंपनीज की ईपीएस हमको मिल जाएगा, ट्रैक कर सकते हैं वहाँ पे। हम लोग एक साल का, तीन साल का, पाँच साल का हम लोग ईपीएस ट्रैक कर सकते हैं। ध्यान देने की चीज़ एक चीज़ और है, हो सकता है कि कंपनी अच्छा खासा लोन लेके या कर्जा लेके कंपनी ग्रो कर रही है और उसका ईपीएस बढ़ रहा है, शेयर्स प्राइस बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहा है, बट लेकिन अगर कंपनी डेट में है और काफ़ी ज़्यादा डेट में है तो वो फ़ायदा नहीं, वो नुकसान भी हो सकता है उसका ईपीएस बढ़ाना। तो ये सब चीज़ें हमें ट्रैक करनी पड़ेंगी, ये सब रेशियोज एनालिसिस में जब हम लोग आएंगे हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, अभी हम लोग सिस्टम पे, तो इसमें हम लोग ईपीएस के बारे में समझेंगे कैलकुलेट करना और कहाँ से सारी चीज़ें हम लोग देख पाएंगे।